हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और अगर आप चैनल पर नए हो और कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी देखो मार्केट में क्या सिनेरियो है। निफ्टी ठीक ठाक चल रहा है पर स्मॉल कैप मिड कैप गिर रहे हैं। अभी ये जो गिरावट हो रही है ये किस वजह से हो रही है और ये गिरावट कब तक चलेगी, ये हम इस वीडियो में देखने वाले। अब आपके सामने है निफ्टी स्मॉल कैप का चार्ट, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंटिन्यूअसली फॉलिंग आ रही है और ये गिरते ही जा रहा था। अभी इसका सपोर्ट कहाँ पे एग्जैक्टली, ये जो लेवल है ये है इसका सपोर्ट। सपोर्ट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस सपोर्ट, इसके तरह एक्ट किया आज। करेक्ट, ये लेवल आने के बाद वहां से सपोर्ट लिया और आपने देखा होगा एंड में मार्केट ने रिकवरी दिखाई। स्मॉल कैप मिड कैप थोड़े से रिकवर हुए, वो इस वजह से हुए क्योंकि यहाँ पे एकदम स्ट्रांग सपोर्ट है। और ये जो कैंडल बनी है ये डोजी बन गई, अभी यहाँ पे एक डोजी बन गई। ये क्लियर रिवर्सल के संकेत हमें दे रहा है कि 9780 से इसने रिवर्स किया है और अभी 10,030 के आसपास बंद हुआ है। तो निफ्टी स्मॉल कैप का हमें दिख रहा है यहाँ क्लियरली कि ये चार्ट रिकवर हो चुका है। अभी यहां से अगर ग्रीन कैंडल बनती है ऊपर की तरफ तो जितने भी शेयर्स नीचे गिरे वो फिर से रिकवर करेंगे। पैनिक करने की जरूरत नहीं है आपको, आप लॉस में मत बेचिए, ये आपको प्रॉफिट जरूर करके देगा। तो ये हो गए स्मॉल कैप शेयर्स, निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स का ये चार्ट है। अभी हम देखेंगे निफ्टी मिड कैप 100 का। मिड कैप में क्या हो रहा है, मिड कैप में भी सेम कंडीशन थी, सिर्फ मिड कैप में एक प्रॉब्लम था कि जो इसका सपोर्ट था ये इसका सपोर्ट बन चुका था। देखो यहाँ पे दो बार रिटेस्ट हुआ ये लेवल, यहाँ एक बार रिटेस्ट, यहाँ टेस्ट हुआ था, यहाँ एक बार रिटेस्ट हुआ, यहाँ से ऊपर गया और जब ये गिरावट हुई फिर से यहाँ पे आया। जैसे ही इसने ये लेवल क्रॉस किया 26,982 का, वहां से इसमें फिर से बाइंग आ गई और शेयर ने एंड में फिर से रिकवरी दिखाई। जैसे स्मॉल कैप शेयर्स में देखी हमने वैसी मिड कैप में भी रिकवरी हुई है। तो मिड कैप में ये भी चले, स्मॉल कैप भी गिरे, मिड कैप भी गिरे और दोनों एंड में कवर हुए। दोनों की आज के दिन की वन डे चार्ट देख रहे हैं हम, वन डे की कैंडल सेम फॉर्मेशन हुआ है। और ये कैंडल का मीनिंग ही होता है कि नीचे से बाइंग आ रही है और ये बुलिश रिवर्सल का संकेत होता है। तो यहां से मिड कैप भी ऊपर के तरफ ही चलने चाहिए, ऐसा एक क्लियर हमें साइन दिखाई दे रहा है। तो इसमें भी आप मिड कैप्स में बुकिंग मत कीजिए प्रॉफिट। ये स्मॉल कैप मिड कैप शेयर्स ऐसे ही चलते, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे गिरा जोरदार रिकवरी, यहाँ पे गिरा फिर रिकवरी, गिरा रिकवरी, गिरा रिकवरी, ये गिरा ये हो गई रिकवरी, ये गिरा ये भी करेगी रिकवरी। तो ये पैटर्न डिस्टॉर्ट नहीं हो रहा कहीं पे भी, देखो ये पैटर्न, यहाँ पे गिरा हो गई रिकवरी। तो ये जो हमारा पैटर्न है, ये पैटर्न करेक्ट पैटर्न, करेक्ट पैटर्न, ये डिस्टॉर्शन नहीं हो रहा, ये पैटर्न अभी फॉर्म हो गया। ऊपर ही इसका भी लेवल आने वाले टाइम में ऊपर के लेवल आएंगे। तो मिड कैप में भी बने रहिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ मैं से प्रॉफिट बुकिंग बोलूंगा, कुछ पैनिक है बाजार में, उस वजह से अमेरिका में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, वहां के हॉस्पिटल्स फुल हो गए, इस वजह से निफ्टी स्मॉल कैप मिड कैप गिरे हैं। अभी ये फिर से रिकवर करके 30,000 के लेवल के आसपास मिड कैप इंडेक्स हमें जाते हुए दिखेगा। तो डरने की कोई बात नहीं, जितना पॉसिबल हो सके नीचे बाइंग करना है या अपनी पोजीशंस होल्ड करने, ऐसा मुझे लगता है आपको जो सही लगे आप वो कर सकते हो। तो ये रहा ओवरऑल एनालिसिस शेयर्स पे, स्मॉल कैप मिड कैप। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय योर ट्रेड एंड टेक केयर।